टीवी शो अलीबाबा दास्ताए काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को शो के सेट पर आत्महत्या कर ली। आज भी कुछ लोगों के लिए इस खबर को सच मानना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। शो अलीबाबा पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा, हालांकि अब तक टीवी पर बैकअप में रखे एपिसोड्स को प्रसारित किया गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि मेकर्स जल्दी शो को एक नया मोड़ देंगे। मेकर्स ने शो का ट्रैक पूरी तरह से बदलने का विचार किया है। तुनिशा शर्मा और शिजान खान शो के लीड एक्टर्स थे। तुनिशा के सुसाइड मामले में शिजान अभी पुलिस कस्टडी में है। ऐसे में शो को आगे के एपिसोड कैसे शूट हो, ये मुश्किल हो रहा है। मेकर स्टोरी लाइन को भी अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने टीम के कुछ लोगों के साथ शो के आखिरी एपिसोड शूट किए हैं। शो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन तुनिशा शर्मा के किरदार को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ऐसा मेकर्स का कहना है। टाइम्स को चैनल के ऑफिशियल्स ने बताया कि अलीबाबा शो खत्म नहीं होगा, बाकी के किरदारों पर फोकस करते हुए स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नए एक्टर्स को शो के साथ जोड़ा जा सकता है। शो के मेकर्स नए एक्टर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुनिशा को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ऐसी खबरें आ रही है। किसी दूसरी एक्ट्रेस को मेकर साइन करेंगे, लेकिन उनका किरदार अलग होगा। खबरें हैं कि अभिषेक निगम शिजान खान को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। हालांकि अभिषेक या फिर टीम की ओर से इस पर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। हालांकि अभिषेक की मम्मी ने कहा है कि उनका बेटा शो का हिस्सा नहीं है। अभी शो की शूटिंग एक दूसरे सेट पर हो रही है, जो पहले वाले सेट से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। 20 साल की तुनिशा कोस्टार शिजान खान संग रिलेशनशिप में थी। एक्ट्रेस की मां ने शिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज शिजान पुलिस की कस्टडी में है। तुनिशा की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने शिजान की वजह से ये कदम उठाया है। शिजान ने तुनिशा को चीट किया और ब्रेकअप का उस पर काफी बुरा प्रभाव भी पड़ा था। वही शिजान के परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था। तुनिशा अपने परिवार से ज्यादा शिजान के परिवार से क्लोज थी। तुनिशा की मम्मी उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स करती थी। तुनिशा कभी एक्टिंग की दुनिया में काम नहीं करना चाहती थी। हालांकि अब तक शिजान के परिवार के स्टेटमेंट पर कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।